दोस्तों, क्रैक का ट्रेलर मैंने देख लिया है। विद्युत जामवाल की फिल्म है और इसका ट्रेलर आ चुका है। बहुत ही इनसीन क्रेजी एक्शन से भरपूर ये ट्रेलर है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे बहुत पसंद आया ये ट्रेलर। और वो इसलिए पसंद आया क्योंकि विद्युत जामवाल ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर यहाँ पे परफॉर्म किया है एक्शंस। और एक्शन में भले ही बड़ी में छोटी में आ रही है, बहुत सी फिल्में आ रही है, बट आई थिंक यू हैव टू अपलॉड फॉर विद्युत जामवाल। हर सीन एक तरफ रख दो आप, एक लास्ट का सीन है जहाँ पर जो चीज़ आपने कभी नहीं देखी होगी, सोची होगी, वो ये है। एक पानी का पुल है, पुल के ऊपर ऐसा एक गोल घुमावदार एक शेड है जो स्टील से बना हुआ है, काफ़ी ऊपर है वो, और उस पर बाईसाइकिल राइड कर रहे हैं हमारे विद्युत जामवाल, एंड दैट इज़ एन इनसेन थिंग। तो स्टोरी कुछ यूँ है जैसे मैड मैक्स फ्यूरी रोड आपने देखा होगा, जैसे डेथ रेस वाली फिल्म देखी होगी, या ऐसी जो फिल्में फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी, उस सब का मिला जुला कर एक निचोड़ है अगर कह लिया जाए तो। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि एक रेस होती है एक तरह की, वो भी मैदान में, मैदान यानी कि उनका जो गेम, उनका नाम मैदान रखा गया है, वो भी इलीगल रेस है, बाइक रेस है या अलग अलग तरह की रेस है, जो सैंड यानी कि है ना बालू, सैंड में होती है, रेतीली जगह पर होती है, और ये इलीगल रेस आई थिंक पोलैंड में कहीं होती है जितना मेरे को समझ में आया है। तो इस फिल्म में जो वो इलीगल रेस है मैदान, उसकी जो इन्फ्लुएंसर है वो हमारी जो सबकी चहेती है, बोलते ना दिलवर दिलवर गर्ल, नोरा फतेही है, और काफ़ी बोल्ड ब्यूटीफुल लग रही वो भी। एमी जैक्सन ने यहाँ पर नज़र आ रही है, जो पुलिस वाली बनी है, वो भी इंडिया के बाहर वाली, तो वो भी उनका भी किरदार अच्छा लगा। लेकिन मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लगा, इसमें एक डायलॉग है, जैसे वो एमी जैक्सन पुलिस के तौर पर आ जाती है ना, तो यहाँ पर विद्युत जामवाल कहते हैं कि हमारी भी सिम्बा सूर्यवंशी सिंह हम एक साथ ही आते हैं। वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सीन पूरे ट्रेलर की जान है। और लास्ट में जो एक्शन कर रहे हैं विद्युत जामवाल, वैसे कई सारे एक्शन है जो शायद आप नोट नहीं करोगे या हम भी बहुत नॉर्मल लगेगा, जैसे एक छोटी साइकिल है उसको ऐसे पैसे से उठाते हैं और सीधा खड़ा कर देते हैं, वो सीन भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मतलब यूथ आइकन आप इन्हें कह सकते हो, अर्जुन रामपाल इस एज में भी 45 के ऊपर है, उससे नीचे नहीं बनता, ऑलमोस्ट 50 के आसपास पहुँच रहा है, लेकिन सिक्स पैक्स ऐप दिखा रहा है और विद्युत जामवाल उसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्शन में हाथ कोई नहीं पकड़ सकता हमारे सबके चहेते विद्युत जामवाल का, उनके साथ अगर अर्जुन रामपाल है और बाकी और एक्टर्स है, तो मुझे ये अच्छा फील आ रहा है। मतलब ये ऐसी कोई फिल्म लगी जिसमें मैं पैसा डाल के एक बार आराम से इंजॉय कर सकता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मुझे पता है एक्शन में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं विद्युत जामवाल। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत भारी भरकम बैकअप नहीं है, विद्युत जामवाल ने खुद को प्रोड्यूस की है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी डिज़र्व करता है ये ट्रेलर 5 में से 3.5 स्टार, एंड आई होप कि फिल्म अच्छी हो और फिल्म और भी कमाल करे। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय, टेक केयर।